नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एसपीडी पब्लिकेशन किताब से बिहार का करंट अफेयर प्रॉब्लम जो कि आपका वार्षिकांक है, ईयरली में कि नहीं, ठीक है, जो कि जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का इसमें दिया गया करंट अफेयर, इसके आप लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार पंचायत चुनाव 2021, ठीक है। और आज हम इसका पार्ट नंबर भी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 19 का पार्ट नंबर भी, ठीक है, बिहार में हो रहे नए निर्माण कार्य उसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर 19 है और इसका आज हम लोग पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 19 का पार्ट नंबर बी है, ठीक है। तो बिहार में हो रहे नए निर्माण कार्य क्या क्या पढ़ते हैं, तो इधर आपका निर्माण का नाम दिया, इधर आपका स्थान कहां पर हो रहा है, ठीक है। तो बिहार की पहली फिश फीड मिल, तो बिहार की पहली फिश फीड मिल आपका रोहतास सासाराम में शुरू हुआ है। और पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका बिहटा पटना में। राज्य का दूसरा तारा मंडल कहाँ खुलेगा, तो आपका दरभंगा जिला में। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट आपका बेगूसराय में खुलेगा। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट आपका कहाँ, नवादा कैमूर में चालू होगा, तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट नवादा कैमूर में। राज्य का दूसरा रडार, तो राज्य का दूसरा डॉप्लर रडार आपका पूर्णिया जिला में, ठीक है। अस्थायी ट्रैफिक पार्क, तो अस्थायी ट्रैफिक आपका पटना में। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क आपका गोपालगंज में लगेगा। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो पटना में। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में। बागपुर टावर आपका गर्दनीबाग पटना में जो है बनेगा। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी आपका पटना में बनेगा। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर आपका अररिया जिला में, तो राज्य का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में। मिल्खा सिंह खेल परिसर, तो आपका मिल्खा सिंह खेल परिसर आपका गया में बनेगा। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी, तो उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी पटना में। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, तो देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना गोपालगंज में। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर पीवी प्लांट आपका दरभंगा जिला में। देश का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क पूर्णिया में। बिहार रोड रिसर्च सेंटर आपका मोकामा पटना में। राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक आपका मुजफ्फरपुर में। राज्य का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र आपका बोधगया गया में खुला है। बहुउद्देशीय, तो बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज आपका पटना साहिब पटना में। माल सलामी कम्युनिटी सेंटर आपका पटना सिटी पटना में। राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर में, तो राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर में। नालंदा बिहार शरीफ, ठीक है। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय, तो बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय आपका वैशाली महाजीपुर में, ठीक है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय आपका पटना में। रीजनल साइंस सेंटर आपका गया में खुलेगा, तो रीजनल साइंस आपका गया में खुलेगा। राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में बनेगा। और हिरन रेस्क्यू सेंटर आपका कहाँ, बक्सर में बनेगा, ठीक है। भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज आपका राजगीर बिहार शरीफ में है। और राज्य का पहला जैव विविधता पार्क अररिया के कुशियार गांव में खुला है, ठीक है। तो राज्य का पहला जैव विविधता पार्क अररिया के कुशियार गांव में खुले हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट था जो, ठीक है, तो जिसको हमने पढ़ा। रोहतास में आपका क्या, तो रोहतास में आपका बिहार के पहले फिश मिल आपका जो है खुलेगा, ठीक है। बिहटा पटना में पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दरभंगा में राज्य का दूसरा तारा मंडल। बेगूसराय में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट। नवादा और कैमूर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। पूर्णिया में राज्य का दूसरा डॉप्लर रडार। पटना में स्थायी ट्रैफिक पार्क। गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क। पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। भागलपुर में भारत का दूसरा रिसर्च सेंटर खुल जाएगा। गर्दनीबाग पटना में पापू टावर खुलेगा। पटना में आपका एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर सिटी। अररिया में आपका राज्य का दूसरा चिड़ियाघर। गया में मिल्खा सिंह खेल परिसर बनेगा। पटना में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी। पटना में देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। और गोपालगंज में बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना। मुजफ्फरपुर में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क। पूर्वी चंपारण में दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा रामायण मंदिर। दरभंगा में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट। पूर्णिया में देश का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क। मोकामा में बिहार रोड रिसर्च संस्थान पटना में, ठीक है। और मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक सारण जिला में। राज्य का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बोधगया गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र पटना साहिब में। पटना में बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज। पटना सिटी में माल सलामी कम्युनिटी सेंटर। राजगीर में राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय। पटना में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। गया में रीजनल साइंस सेंटर। पूर्णिया में राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट। बक्सर में हिरन रेस्क्यू सेंटर। राजगीर में भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्रास ब्रिज। अररिया के कुशियार गांव में
राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बनेगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट था बिहार में हो रहे नया निर्माण का, जो कि आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक बार रिवाइज करते हैं, इस बार चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो बिहार की पहले फिश फीड मिल रोहतास, बिहार पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पीटा पटना में, राज्य का दूसरा टाना मंडल दरभंगा में, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग सेंटर बेगूसराय में, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तो आपका जो है बेगूसराय नवादा कैमूर में, राज्य का दूसरा डॉपलर रडार, तो राज्य का दूसरा डॉपलर रडार आपका कहाँ खुलेगा, दरभंगा पूर्णिया में। ठीक है, स्टार ट्रैफिक पार्क आपका पटना में, राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, और भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में, बापू टावर आपका गाजनीबाग पटना में, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में, राज्य का दूसरा चिड़ियाघर तो अररिया में, मिल्खा सिंह खेल परिसर गया में, उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी आपका पटना में, देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में, बिहार के पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना तो मुजफ्फरपुर में, सॉरी बिहार के पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना गोपालगंज में, देश का सबसे बड़ा फूड पार्क तो देश का सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में, दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर तो आपका पूर्वी चंपारण में, ठीक है मोतिहारी में, राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा में, देश का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क पूर्णिया में, बिहार रोड रिसर्च सेंटर संस्थान आपका जो बिहार रोड रिसर्च संस्थान आपका मकामा पटना में, राज्य का पहला टॉयलेट लिंक मुजफ्फरपुर में, राज्य का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र आपका बोधगया गया में, बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज तो आपका पटना साहिब में पटना में, माल सलामी कम्युनिटी सेंटर पटना सिटी पटना में, राज्य खेल अकादमी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट राजगीर में, बिहार शरीफ बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय वैशाली हाजीपुर में, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका था देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है बिहार का पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। ठीक है, रीजनल साइंस सेंटर आपका गया में, राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल सेंट प्लांट तो राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट आपका जो है पूर्णिया में, और हिरन रेस्क्यू सेंटर आपका बक्सर में, भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर बिहार शरीफ में, राज्य का पहला जैव विविधता पार्क तो आपका अररिया के कुशियार गाँव में। ठीक है, तो इस प्रकार पढ़ा आज का वीडियो, तो आज के लिए बताएं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपका चैप्टर नंबर 20 पढ़ेंगे, जो कि आपका होगा बिहार के नवीनतम आंकड़े। ठीक है, चैप्टर नंबर 20, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।